नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में इंटरनेट बंद करने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, राज्य सरकार को निर्देश। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के कारण इंटरनेट सेवा बंद किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच में इस मामले की शनिवार को सुनवाई की गई। खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से पूछा है कि इंटरनेट बंद करने के लिए क्या पॉलिसी है, क्या सभी परीक्षाओं में इसी तरह इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह में एफिडेविट के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। बता दें, प्रार्थी अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने शनिवार को ही हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इसे शनिवार को अवकाश के बावजूद अधिसूचित किया गया और खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की है। जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई के बाद राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। झारखंड में इंटरनेट सेवा शनिवार को दोपहर 1:45 से बहाल हो गई है। इंटरनेट सेवा शुरू होते ही राज्य के लोगों ने राहत भरी सांस ली है। बता दें, झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन की ओर से आयोजित जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर सुबह 5 बजे से ही इंटरनेट सेवा ठप थी। वहीं 1:45 के बाद इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। झारखंड में जल्द लगेगी आचार संहिता, चुनाव आयोग 23 को रांची। झारखंड में जल्द ही आगामी विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने के साथ साथ आचार संहिता लागू होने वाला है। इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने 23 सितंबर को भारत निर्वाचन आयोग की टीम रांची आएगी। 2 दिनों तक चलने वाले इस दौरे में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार समेत 3 चुनाव आयुक्त शामिल होंगे। गौरतलब है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड और आईजी अभियान ने संयुक्त रूप से जिले के एसपी और डीसी के साथ निर्वाचन आयोग के आने से संबंधित तैयारियों को लेकर शुक्रवार को समीक्षा बैठक की थी। इसी दौरान आयोग की समीक्षा के लिए पीटी की तैयारी, सुरक्षा बलों के रहने व मूलभूत सुविधा की तैयारी और लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान दायर वादों की स्थिति की समीक्षा की गई थी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एक ही जिले में 3 साल से पदस्थापित पुलिस कर्मियों का तबादला भी किया जा चुका है। जेएसएससी सीजीएल की पहली पाली की परीक्षा में बांटे दूसरी पाली का प्रश्न पत्र। लातेहार जिले के कुल 18 परीक्षा केंद्र में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा शनिवार को हुई है। इसमें एक परीक्षा केंद्र राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान पर परीक्षार्थियों को केंद्राधीक्षक और वीक्षक कार्य कर रहे शिक्षकों ने प्रथम पाली की परीक्षा में द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र वितरण कर दिया। इस कारण परीक्षार्थियों के समक्ष अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई। ओएमआर सीट भरने के बाद उन्हें व्हाइटनर लगाकर परीक्षा देने का निर्देश दिया गया। परीक्षार्थियों ने कहा है कि इस परीक्षा में व्हाइटनर का प्रयोग या ओवरराइटिंग वर्जित है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, इसकी जाँच होनी चाहिए। बता दें, परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्र मिलने के बाद ओएमआर सीट भरना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद केंद्राधीक्षक और वीक्षकों को पता चला है कि सभी परीक्षार्थियों को पहली पाली की जगह दूसरी पाली का प्रश्न पत्र दे दिया गया। आनंद फानन में केंद्राधीक्षक और वीक्षकों ने सभी परीक्षार्थियों को व्हाइटनर का इस्तेमाल करने को कहा। इस पर परीक्षार्थियों ने कहा कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में व्हाइटनर का प्रयोग या ओएमआर सीट में किसी प्रकार की छेड़छाड़ उचित नहीं है, इससे तो वे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। गढ़वा में मैया समान यात्रा 23 सितंबर को कल्पना सोरेन करेंगी नेतृत्व। हेमंत सरकार 23 सितंबर से मैया समान यात्रा शुरू करेगी। गढ़वा जिले के बंसीधर नगर से समान यात्रा आरंभ होगी। बता दें, 25,000 आम सभाएं, 7500 सभाएं व 1500 जगहों पर स्वागत समारोह होगा। पहले चरण में मंत्री बेबी देवी व विधायक कल्पना सोरेन के नेतृत्व में पलामू प्रमंडल के गढ़वा, डाल्टनगंज और लातेहार जिले से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इस दौरान स्थानीय मंत्री व विधायक भी शामिल होंगे, साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। बता दें, 23 सितंबर को दिन के 11:45 पर बंसीधर नगर में आम सभा का आयोजन किया गया है। रमना व मेराल में सभा होगी। वहीं गढ़वा में शाम 7:30 रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। 24 सितंबर को गढ़वा, मझियाओं, हैदरनगर, हुसैनाबाद, छतरपुर, नवा नगर व पाटन में सभा व स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है। वहीं रात 7:45 पर दलित छात्रावास में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। वहीं 25 सितंबर को मेदिनीनगर में दिन के 10:30 आम सभा व प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। झारखंड में उड़ान नहीं भर सका राजनाथ सिंह का हेलीकॉप्टर। भाजपा के पलामू प्रमंडल स्तरीय संकल्प यात्रा की शुरुआत करने श्री बंसीधर नगर पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर श्री बंसीधर नगर आया निजी हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो गया। फ्यूल खत्म होने के कारण हेलीकॉप्टर वापस नहीं जा सका। दोनों केंद्रीय मंत्रियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ सड़क मार्ग से ही वाराणसी के लिए रवाना किया गया।
इस संबंध में पूछे जाने पर गढ़वा उपायुक्त शेखर जमुआर ने बताया है कि इसकी सूचना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डीएम को दे दी गई है। उपायुक्त ने बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ उन्हें रवाना किया गया। हेलीकॉप्टर को गढ़वा हेलीपैड पर मांग लिया गया है। फ्यूल भरने के बाद उसे वापस भेजा जाएगा। झारखंड में कमजोर रहा मानसून, 23 से बन रहा निम्न दबाव। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून की गतिविधि कमजोर रही है। बंगाल की खाड़ी में अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से 23 सितंबर तक एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनता दिख रहा है। मानसून टर्फ बीकानेर, गुना, मंडला, राजनंद गांव और गोपालपुर से होते हुए पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। बता दें, झारखंड में सोमवार को कहीं कहीं हल्के से मध्य दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि इसके लिए कोई अलर्ट या चेतावनी जारी नहीं की गई। मौसम विभाग ने कहा है कि इसके बाद 3 दिन तक झारखंड में गरज के साथ बारिश एवं वज्रपात होने की आशंका है। ऐसा मौसम विभाग ने बताया है कि राजधानी रांची में 22 सितंबर को आसमान में बादल छाए रहेंगे, जबकि गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री तक रहने की संभावना है। सीजीएल एग्जाम से पहले धनबाद से 2 आरोपी गिरफ्तार। धनबाद में आयोजित जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से पहले धनबाद जिले के झरिया से 2 आरोपी पकड़े गए हैं। एक आरोपी झारखंड और दूसरा बिहार का रहने वाला है। इनके पास से दर्जनों मोबाइल, एटीएम कार्ड और परीक्षार्थियों के रोल नंबर मिले हैं। रोहरदग्गा पुलिस की सूचना पर धनबाद पुलिस ने इस संबंध में कार्रवाई की है। बता दें, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी कराने के आरोप में धनबाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और 2 आरोपियों को झरिया से दबोच लिया है। वहीं लोहरदगा पुलिस ने इस संबंध में धनबाद पुलिस को सूचना दी थी। इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई की है और उसमें कामयाबी भी मिली है। बता दें, झरिया से पकड़े गए दोनों युवकों में से एक बिहार के जहानाबाद का रहने वाला है, जबकि दूसरा झारखंड के बोकारो जिले के गोमिया का रहने वाला है। रांची के 135 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा में परीक्षा संपन्न। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा 2023 को लेकर शनिवार को रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा एवं वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने समारोह में प्रेस वार्ता की है। डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने कहा है कि 21 सितंबर को रांची के 135 केंद्रों पर शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हुई। पहले दिन 60,000 परीक्षार्थियों में से लगभग 21,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। वहीं 22 सितंबर को भी रांची के 136 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। रांची के डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने बताया है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए प्रथम पाली की परीक्षा के प्रश्न पत्र सील बंद बक्से में कोड वाले ताले में बंद थे। ताले को खोलने के लिए कोड नंबर आयोग की ओर से परीक्षा शुरू होने के कुछ देर पहले ही उपलब्ध कराए गए। बाकी पालियों की परीक्षा के प्रश्न पत्रों को सील बंद बॉक्से की चाबी सील बंद लिफाफे में परीक्षा केंद्रों को परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले गश्ती दंडाधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई है। राजनाथ सिंह ने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। केंद्रीय रक्षा मंत्री सह बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने शनिवार को गढ़वा जिले के नगर उटारी से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी का झंडा दिखाकर परिवर्तन यात्रा को रवाना किया। इस अवसर पर नगर उटारी के गोसाई बाग के मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जेल जाने के बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीना तान कर खड़े हैं। राजनीति लोक लाज और मर्यादा के बिना नहीं चल सकती, भारतीय परंपरा भी यही कहती है। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को स्पीड ब्रेकर बताया है। परिवारवाद और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर वे राज्य सरकार पर जमकर बरसे। झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील की है। पत्रकार रवि प्रकाश को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सीएम हेमंत। वरिष्ठ पत्रकार रवि प्रकाश का पार्थिव शरीर शनिवार को रांची के प्रेस क्लब में दर्शनार्थ रखा गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे और अपनी संवेदना जताई। हेमंत सोरेन परिवार के लोगों से भी मिले और अपने संदेश में कहा है कि यह पत्रकारिता जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। रवि प्रकाश जैसा युवा और प्रतिभावान पत्रकार अब इस दुनिया में नहीं है। सहारा इंडिया में जमा पैसा वापस दिलाने की मांग। सहारा इंडिया में निवेश करने वालों का पैसा वापस दिलाने की मांग पर झारखंड में आंदोलन तेज हो गया है। बोकारो जिले के पेटरवार के गांवों के सैकड़ों निवेशकों ने जुलूस निकाला और अपना पैसा वापस दिलाने की मांग सरकार और प्रशासन से की है। बता दें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में कई संगठनों और पेट काटकर भविष्य के लिए सहारा इंडिया में पैसा जमा करने वाले निवेशकों ने बड़ा प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने लंबा जुलूस निकाला और बोकारो जिले के पेटरवार प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचे। जुलूस में शामिल सैकड़ों महिला पुरुषों ने हमारा पैसा वापस करो, हमारा पैसा वापस करो के नारे लगाए। जुलूस पेटरवार प्रखंड मुख्यालय पहुंचा। यहां भाकपा के नेताओं के साथ साथ जुलूस में शामिल अन्य संगठन के नेताओं ने भी भीड़ को संबोधित किया।
पलामू कैश बरामदगी मामले में दो लोगों से पूछताछ कर रही एटीएस। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से एक दिन पहले शाम में पुलिस ने एक होटल से छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति के पास से 93 लाख रुपए कैश बरामद किए थे। यह कैश पलामू जिले के मेदिनीनगर शहर थाना की पुलिस ने मुख्य बाजार स्थित होटल साई इन के कमरा नंबर 204 से शुक्रवार की रात बरामद किए थे। इस मामले में अब झारखंड एटीएस ने भी जांच शुरू कर दी है। एटीएस की एक टीम पलामू में कैंप कर रही है, वहीं एटीएस के अधिकारी हिरासत में लिए गए दोनों व्यक्तियों से पूछताछ कर रहे हैं। भाजपा की परिवर्तन यात्रा से डरी हेमंत सरकार, बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को गढ़वा में परिवर्तन रथ पर सवार होकर फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। मरांडी ने कहा है कि हेमंत सरकार के दिन गिनती के बचे हैं, यह सरकार डरी सहमी और बौखलाहट में है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में कदाचार रोकने के बहाने हेमंत सरकार ने राज्य भर में इंटरनेट बंद करा दिया। कहा है कि सच्चाई है कि यह सरकार परिवर्तन यात्रा की शुरुआत से ही डर गई, अभी तो पूरी यात्रा बाकी है। सोशल मीडिया में यात्रा के व्यापक प्रचार को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इंटरनेट ही बंद करा दिया। कहा है कि हेमंत सोरेन जी, आजकल लोगों का दैनिक जीवन इंटरनेट पर आश्रित हो गया है, लेन देन यात्रा व्यापार सभी के लिए इंटरनेट आवश्यक है। मरांडी ने कहा है कि युवा पीढ़ी तो पूरी तरह इंटरनेट पर आश्रित है, ऐसे में यदि प्रचार प्रसार से भयभीत हैं तो भी आप युवाओं को परेशान मत कीजिए। झारखंड पुलिस मुख्यालय के सामने सिपाही से चेन छीनी। झारखंड पुलिस मुख्यालय के सामने सिपाही से चेन छीनकर अपराधी फरार हो गए हैं। यह घटना पुलिस मुख्यालय में स्थित डीजीपी कंट्रोल रूम में प्रतिनियुक्ति आरक्षी विजय प्रकाश तिवारी के साथ हुई है। बाइक सवार अपराधी उनके गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। यह घटना शुक्रवार देर शाम की बताई गई है। इस संबंध में पीड़ित आरक्षी ने धुरुआ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरक्षी विजय प्रकाश जमशेदपुर के गोलमुरी के रहने वाले हैं। उन्होंने पुलिस को बताया है कि वह FFP बिल्डिंग के बैरक में खाना खाकर बाहर टहल रहे थे। इसी दौरान एक बाइक पर सवार तीन अपराधी पहुंचे और अचानक गले से सोने की चेन झपट कर भाग निकले। अपराधियों ने हेलमेट पहनकर छिनताई की घटना को अंजाम दिया है। पश्चिमी सिंहभूम में सीजीएल परीक्षा में 11,000 विद्यार्थी शामिल। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तत्वाधान में संचालित झारखंड सामान्य स्नातक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत शनिवार को सदर, चाईबासा एवं पोड़ाहाट चक्रधरपुर अनुमंडल मुख्यालय के 28 परीक्षा केंद्रों पर लिखित परीक्षा हुई है। शनिवार को प्रथम दिन तीनों पालियों में आयोजित परीक्षा में तकरीबन 3841 अभ्यर्थियों ने प्रत्येक पाली में परीक्षा दी। कुल 11,523 विद्यार्थी पहले दिन परीक्षा में शामिल हुए हैं। कदाचार मुक्त सफल परीक्षा संचालन हेतु उपायुक्त कुलदीप चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर के संयुक्त निर्देशानुसार प्रत्येक परीक्षा केंद्र में केंद्र अधीक्षक सहित उड़नदस्ता दल, प्रश्न पत्र परिवहन दंडाधिकारी के अलावा पुलिस पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में पुलिस जवान मुस्तैद थे। पलामू टाइगर रिजर्व में बाघिन की एंट्री। पलामू टाइगर रिजर्व में एक बाघिन की एंट्री हुई है। पीटीआर इलाके में अब 4 बाघ और 1 बाघिन के होने की पुष्टि हुई है। पलामू टाइगर रिजर्व ने नवंबर 2023 में एस्केट की जांच के लिए हैदराबाद स्थित सेंटर CCMB भेजा था। CCMB ने पलामू टाइगर रिजर्व को जांच रिपोर्ट भेजी है, जिसमें बाघिन के मौजूद होने की पुष्टि की गई है। इसके बाद पूरे पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पीटीआर प्रबंधन को उम्मीद है कि इलाके में बाघिन प्रजनन करने के लिए आई है। पीटीआर के निदेशक कुमार आशुतोष ने बताया है कि CCMB की रिपोर्ट में बाघिन की मौजूदगी की पुष्टि हुई है, इसलिए पूरे इलाके में नज़र रखी जा रही है। यह पलामू टाइगर रिजर्व के लिए खुशखबरी है। बाघिन एक बार में 4 से 6 बच्चों को जन्म देती है, ऐसे में पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। MGM कॉलेज परिसर में 25 दिन में शुरू होगी OPD। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि MGM कॉलेज परिसर में बन रहा 751 बेड का अस्पताल जल्द आम जनता को समर्पित होगा। अस्पताल निर्माण का अधिकांश काम पूरा हो गया है। 25 दिन में यहां OPD सेवा शुरू कर दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने शनिवार को निर्माणाधीन अस्पताल परिसर में 100 बेड के CCU के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंत्री ने कहा है कि तमाम झंझटों के बीच अस्पताल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। प्राकलन के अनुसार 751 बेड के अस्पताल में 131 बेड का ICU तथा 620 बेड के जनरल वार्ड का निर्माण कराया जा रहा है, साथ ही इसमें 100 बेड का CCU भी जुड़ गया है। उन्होंने कहा है कि अस्पताल में अत्याधुनिक कैथ लैब का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे मरीजों को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। झारखंड होमगार्ड में फर्जी नौकरी करने मामले में 5 के खिलाफ मामला दर्ज। झारखंड होमगार्ड विभाग में फर्जी तरीके से नौकरी करने के मामले में कंपनी कमांडर समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। यह मामला गृह रक्षा वाहिनी
एवं अग्निशमन विभाग के डीजी अनिल पलटा को निर्देश पर धुरवा थाना में शनिवार को दर्ज हुआ है। जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है उसमें कंपनी कमांडर कैलाश यादव के अलावा फर्जी तरीके से होमगार्ड की नौकरी कर रहे आरिफ अंसारी, आसिफ अंसारी, जगदीश टोपो और निषाद अहमद के नाम शामिल हैं। फर्जी तरीके से नौकरी करने वाले सभी रांची के कांकेर, रातू और नामकुम के रहने वाले हैं। चारों व्यक्ति कंपनी कमांडर कैलाश यादव की मदद से अभिलेख में छेड़छाड़ कर होमगार्ड विभाग में फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे थे। ये सभी पिछले 2 साल से नौकरी कर रहा था और सरकार से वेतन भी ले रहा था। जांच के बाद अब इन लोगों के द्वारा फर्जी तरीके से नौकरी करने का मामला सामने आया है। वहीं पूरे राज्य में फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे होमगार्ड के जवान को चिन्हित किया जा रहा है, जिसके बाद सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। श्रमिक संघ की बैठक, अनुबंध कर्मियों को नियमित करने की मांग। लोहरदगा पावर हाउस में झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ लोहरदगा डिवीजन की बैठक मंजूर अंसारी की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर बैठक को संबोधित करते हुए संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया वादा याद करना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि सत्ता में आते ही वह आउटसोर्सिंग व अनुबंध खत्म कर सभी को नियमित करेंगे, मगर उनका वादा अधूरा ही रह गया। राय ने कहा है कि अब सरकार का कार्यकाल कुछ ही दिन बच गए हैं, ऐसे में ऊर्जा विकास श्रमिक संघ चुपचाप नहीं बैठेगी बल्कि इनके खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेगी। बैठक में जलील अंसारी भी मौजूद थे। झारखंड में बहाल इंटरनेट सेवा रविवार सुबह से फिर होगी बंद। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा खत्म होने के साथ ही राज्य भर में इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है, लेकिन आज सुबह फिर से इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया जाएगा। बता दें, रविवार को सुबह 7 बजे से ही इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाएगी और दिन के 3 बजे के बाद ही इंटरनेट सेवा को बहाल की जाएगी। उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार ने पर्चा लीक को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। शुक्रवार को सरकार ने मोबाइल कंपनियों को पत्र लिखकर परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवा को बंद करने का निर्देश दे दिया था। शनिवार की सुबह 5 से 7 बजे के बीच राज्य भर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी, लेकिन दिन के 3 बजे के बाद ही इंटरनेट सेवा बहाल हो सकी थी। इंटरनेट सेवा बंद होने की वजह से झारखंड में जनजीवन प्रभावित रहा, ऑनलाइन काम करने वालों को दिक्कत हुई है। वहीं सोशल मीडिया पर सक्रिय लोग दिन भर निराश दिखे। जिन घरों में स्मार्ट टीवी लगा है उन घरों के बच्चे परेशान रहे। अग्निवीर भर्ती रैली का रिजल्ट जारी, 23 से वेरिफिकेशन। रांची के खेलगांव में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की सूचना ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। बता दें कि रांची में 27 जुलाई से 8 अगस्त तक जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी और अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया गया था। सभी चयनित अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को 23 से 25 सितंबर को सुबह 8 बजे से रांची सेना भर्ती कार्यालय में रिपोर्ट करने को कहा गया है। 23 को बोकारो, चतरा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, खूंटी, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा। वहीं 24 को कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, धनबाद, ईस्ट सिंहभूम, गढ़वा, गुमला, सिमडेगा, रामगढ़ और 25 सितंबर को रांची, हजारीबाग, गिरिडीह और पलामू के अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। झारखंड ने असम से सीखा इंटरनेट बंदी। झारखंड सरकार ने 2 दिन कुछ घंटों के लिए इंटरनेट सेवा बंद रखने का ऐलान किया है। इस पर टिप्पणी करते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने शनिवार को कहा है कि झारखंड सरकार ने परीक्षाओं के दौरान इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करना इस पूर्वोत्तर राज्य से सीखा है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि दूसरे राज्य असम से सीख रहे हैं, इसका मतलब है कि असम देश को अब मार्ग दिखा रहा है। शुक्रवार को झारखंड सरकार की अधिसूचना में कहा गया है कि झारखंड सामान्य स्नातक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए प्रयास के तहत शनिवार सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित रहेंगी और रविवार को भी ऐसा ही होगा। शर्मा ने कामरूप जिले के बेजेरा में संवाददाताओं से कहा है कि कांग्रेस परीक्षा के दौरान इंटरनेट निलंबित करने को लेकर मेरी आलोचना करती रही है, लेकिन झारखंड में उनकी सरकार यही कर रही है। झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने एमएस रामचंद्र राव। झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव को बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमए राव का तबादला झारखंड हाई कोर्ट में किया गया है। इसे लेकर कानून एवं न्याय मंत्रालय की ओर से सूचना जारी कर दी गई है। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने उनका तबादला झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में करने की सिफारिश केंद्र सरकार से की थी, जिस पर केंद्र सरकार ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। बता दें, जस्टिस एमएस रामचंद्र राव का जन्म 7 अगस्त 1966 को हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने भवांस न्यू साइंस कॉलेज उस्मानिया विश्वविद्यालय से बीएससी में पढ़ाई की है।
जहां वे अपने पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पर रहे हैं। ममता बनर्जी ने बॉर्डर खोलने का दिया आदेश। झारखंड के तेनुघाट मैथन पंचायत डैम से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद पश्चिम बंगाल के कई जिलों को भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में आई इस बाढ़ को लेकर ममता बनर्जी तल्ख रुख अपनाते हुए बंगाल में झारखंड के वाहनों के प्रवेश पर गुरुवार से अगले 3 दिनों के लिए प्रवेश पर रोक लगा दी थी। हालांकि ममता बनर्जी ने अपने इस आदेश को वापस ले लिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश के बाद बंगाल झारखंड बॉर्डर पर झारखंड के कुल 6 जिलों के सभी नाका चेकिंग प्वाइंट को सील कर दिया गया था। बॉर्डर पर नाका चेकिंग प्वाइंट पर ट्रकों सहित विभिन्न गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई थी। झारखंड में आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेगी बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। घुसपैठियों को झारखंड से बाहर निकाला जाएगा। ये बातें शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही है। वह चतरा जिले के इटखोरी में परिवर्तन सभा को संबोधित कर रहे थे। बता दें इटखोरी के हाई स्कूल मैदान में हजारीबाग प्रमंडल के भाजपा के परिवर्तन रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद राजनाथ सिंह ने परिवर्तन सभा को संबोधित किया है। परिवर्तन सभा में उन्होंने राहुल गांधी से लेकर हेमंत सोरेन सरकार तक पर हमला बोला। कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी को भी निशाना पर लिया। राजनाथ सिंह ने झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन पर हमला बोलते हुए कहा है कि भारत किसी भी दागी व्यक्तियों को कभी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि झारखंड में हेमंत सोरेन को सत्ता से हटाने और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का वक्त आ गया है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाएं। साथ साथ वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।